TBN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम के पैगाम है दोस्तों, और आज की ताज़ा खबरें हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्कार, राम राम, खुदा मेदख और दख बलत सूरी नाम से हम आपके लिए खबरें निकालेंगे। US डॉलर के वास्ते स्त्रात कोर्स जो है सैस फैफन तक है और एरो के वास्ते सैफा अख्तम फेर तक हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता और नीचे जा रहा है और उम्मीद किया जाता है कि यही हाल दुआना कोर्स के साथ भी शायद अगर होता होगा तो बहुत अच्छा है, तो दाम कम होगा और इम्पोर्टर्स जो होते हैं तो इन बातों पर ख्याल करना चाहिए कि दाम किस तरह से ये लोग रखते हैं ताकि दुकानों में और किफ़ायत दाम पर लोग अपना सामान खरीद सकें। और आपको बताई जाती है कि नीदरलैंड एंड हाग में रेडियो संगम के ज़रिए आज की ताज़ा खबरें रोज़ाना भी लोग सुनते हैं। बताई जाती है कि खरीफीस तरफ जाकर इन बारात, वो बारात नहीं जो दूल्हा दुल्हन की शादी होता है तो लोग बारात में जाते, वो बारात नहीं, लेकिन ये लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं ना कि अब क्या कौन सा कदम उठाना चाहिए, और इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि खरीफीर जो है कंतों रेखतर में स्त्राफ जाकन जो होता है, यानी स्त्राफ जाकन जो इन लोगों को कानूनी सजा जो सुनाना चाहिए, सोमवार अक्टूबर की 24 तारीख को ये अचानक काम अपना बंद कर दिए, इसलिए कि जो खबाव यानी कि मकान जिसमें ये लोग अपना काम करते हैं और ज़्यादा बारिश होने की सबब से वीकेंड में इस तरह से पानी के नीचे हो गया था, यानी कि इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि यहाँ पर अब काम करना नामुमकिन हो गया है और बहुत सी बदबू यहाँ पर देता है। तमाम होकर बरूब की जो बरूब जाकन हैं, होकर बरूब जाकन जो है यानी कि जितना होकर बरूब की कारोबार है ये सब ताल दिया गया है, और डायरेक्टर हम्फ्री चैलेप्सी जो है जस्टिस एंड पॉलिसी का यहाँ पर खुद आए देखभाल करने के लिए, यानी कि समस्या को मद्देनज़र रखने के लिए, और सुबह में 11 बजे ये लोग काम बंद करके तमाम खरीफीर जो है ये चले गए थे मिनिस्टरी जस्टिसी के पास, और आज भी आकर ये लोग दस्तखत करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। और बताई जाती है यहाँ तक कि एडवोकेट हेमराज मतौली रैक्साल को इस तरह से बताए हैं कि जैसे सुअर का पेन, आप जानते हैं फर्कनस्ताल जिसे लोग बोलते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर बदबू देता है, बहुत अफसोस की बात है। तो दोस्तों आप देखो इसमें कौन सी फैसला लिया जाता है। आगे चलकर आपको यह बात बताई जाती है, हुफदराज जीत नेशनल कैरियर आज एन हर्स, और कौन ये बात बोल रही, पत्रिशा एथनल, कुछ ना कुछ ये नौजवान औरत जो है कुछ ना कुछ बोलती, हिम्मत वाली है और हिम्मत बांध कर बोलती है जो हकीकत होता है, और बोलती है कि आसाम ब्लेलेट पत्रिशा एथनल जो है NPS का ये बात बता रही है और इनका ये ख्याल है, और ये ख्याल पर अपना जो ये बात बताए है तो इस पर अटल है, इसलिए अटल है कि गिलमोर हुफदराज जो है मिनिस्टर फिनांसियन का ये समझता है कि कितना पैसा, ये नहीं समझ पाते हैं कि कितना पैसा लगता है नेशनल कैरियर से जब ये बार बार सफ़र करता है, सफ़र करता है बार बार तो कितना पैसा लगता है, और ऐसा लगता है एक मिनिस्टर जो बहुत पैसा को बर्बाद करता है, ये कहती है एक ऐसा मिनिस्टर है जो बहुत पैसा को बर्बाद करता है, इसके अलावा ये भीख मंगा की तरह हाथ फैलाते हुए देश विदेश जाते हैं, यानी कि भीख मांगने के लिए, मतलब ये है कि कर्ज लेने के लिए एकदम द प्रेसिडेंट देसी बहुत सहत खवैल दफेंदत मिनिस्टर उफदार ऑन सो नेशनल कैरियर जीत आज एन हर्स, यानी कि मिनिस्टर को जो जो हरकतें ये करता है तो प्रेसिडेंट को बहुत अच्छा लगता है, इसमें मज़ा मिलता है प्रेसिडेंट को, ये औरत बता रही है कि अपना जो ये नेशनल कैरियर है यानी कि SLM को, नेशनल कैरियर जो फ्लिक मशीन है, इसको अपना मकान बना लिया है, तो मतलब ये होता है ये आदमी ज़मीन पर कम रहता है और आसमान में ज़्यादा अपना ज़िंदगी गुजारता है, तो आप समझ गए ना, और द मिनिस्टर वोंट मेयर अनाउंस द नेशनल कैरियर दान है टॉयस, यही बात है ना, तो नेशनल कैरियर में ज़्यादा अपना ज़िंदगी बिताता है और अपने घर के बजाय यानी घर के जितना वक्त गुजारता है उससे बहुत ज़्यादा कहीं ऊपर आसमान में यानी कि नेशनल कैरियर में अपना वक्त गुजारता है, तो अपना मकान बना लिया है। रियाद नूर मोहम्मद क्या बताता है, यूनिवर्सिटी क्रैक नीट द बेस्ट स्टूडेंट, यानी कि अंतन द कॉम यूनिवर्सिटी आदेकस जिस तरह से फर्तीक वर्दखर्स तेफंस होखलेरा, रियाद नूर मोहम्मद जो यहाँ का होखलेरार है ये बात बता रहा है कि लिमिट्स प्रॉब्लम यहाँ पर है, लिमिटर्स प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किलात है लिमिटर्स के वास्ते जिन लोगों को
एक ख़ास वक्त दिया जाता है अपना जो स्थिति है इसको ख़त्म करने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल पैदा करता है। और द यूनिवर्सिटेट जोस है अल एर दरीफ इस्तेमाल अख्तर खराक ऑफ द ऑनटिंग वत बतरेफ ऑनदरवाइज एंड ऑनदरसुख, यानी कि ऑनदरवाइज सबक और जो ऑनदरसुख देखभाल करना चाहिए जिस तरह से, यानी कि यहाँ का जो यूनिवर्सिटेट है इसके सिलसिले में बहुत कम होता है। और ये सबब है कि बहुत पीछे ये लोग जा रहे हैं। और इस साल ये कहता है कि बहुत सी मुश्किल पैदा होता है, पैदा हो सकता है और होता भी है कि यूनिवर्सिटेट में वो स्टूडेंटन यानी कि सबसे बेहतर स्टूडेंटन जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो पाएगा। तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से होता है। खरीफी तरफ जाकर इन बरात, ये तो हमको बता दिए आपको कि क्यों ऐसा होता है। ऑफिसर फन यूस्टिसी आन नीमन फन खिफ्तन तैन लास्त खलेख्त, यानी कि ऑफिसर फन यूस्टी रायन आको न फोर खान, यानी कि ऑफिसर यूस्टिसी खिस्तन जाक ऑफिसर जो है यूस्टिसी रायन आ, इसका जो समस्या है यानी कि जज के सामने पेश हुआ है। तो देखो ये आदमी यूस्टिसी है रायन आ, जिसको औरों को लिए एक फोरबेल्ट होना चाहिए न, एक फोरबेल्ट होना चाहिए, तो ये कौन सी हरकतें करता है भला, बताइए किस पर अब हम लोग विश्वास कर सकते हैं न, किस पर विश्वास करना चाहिए। द परफॉर्मेंस अमतनार इन दिस जाक इज सिंथिया क्लाइन, और सिंथिया क्लाइन इनको चाहिए सजा सुनाने के लिए। ऑफिसर रायन आ मेरदर खफालन फनत आनीमन फन खिफ्तन एंड बलोफ्तन ते लस्त खलेख, यानी कि ये आदमी जो घूसखोर आदमी है, घूसखोरी करता है, घूस लेता है और झूठ यानी कि वादा लोगों से देता है, तो इसी सिलसिले में आदमी को जज के सामने पेश होना पड़ा। देट जोए फॉर है तुरखी फन फन इन बसला खनूमन रेबस एंड बर्कर्स हैवन आन खनूमन, यानी कि जो बसलाख में रेबस लिया गया था तो वो रेबोरेस पैसा लेकर ये आदमी फिर वापस दे दिया है। तो बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे करते हैं ये लोग पैसा के लिए। ऑफ द जेटिंग फन मान अखबर सहजाक महानदल छः जो समस्या था, तो छः समस्या सोमवार को जज के सामने पेश हुआ और जज इसको हल किया है। वार फन खस्तल तो ऑफिसर फन यूस्तीसी खेलदन ही ऑनफांगन, यानी कि आदमी ये ऑफिसर जो है ऑफिसर फन यूस्तीसी ये आदमी रायन आ पैसा लोगों से लिया है। जो जैन एर फुरस्खेलन बदराखन खनूम इन दिस जाक वार ऑनदर ट्वाल हॉन्द फाइव तक एस एर दी देर तीन हॉन्द सीफिन हॉन्द फाइव तक फाइफ्टीन थाउजेंड और US डॉलर 5000, इतना पैसा ये आदमी लिया है लोगों से, यानी कि रेबस के सिलसिले में। बहुत अफसोस की बात है, घूसखोरी करता है और ऐसा आदमी को चाहिए वहाँ से निकाल देने के लिए। इस पर कोई विश्वास अब नहीं रह गया है, इसको तो ले जाकर जेहल में धकेल दो जहाँ पर यह सोचता रहे कि कौन सी हरकतें ये किया है। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है दोस्तों कि खरीफीर वगैरह ये तो बारात में हैं बेचारे, क्योंकि उनका जगह जो काम करने का सुअर के पेन की तरह बदबू देता गंधाता है। एथनल अथफिसर स्टडी बॉडीज फॉर आदेक स्टूडेंटन, यानी कि स्टडी बॉडीज ये आदमी कह रहा है अपना जो राय दे रहा है, तो इस तरह से होना चाहिए कि स्टडी जो होता है बेन द नोमिनल स्टडी ड्यूर फॉर द्रियार अफ्रोंदन इस खलाइक आन 0.00%, यानी कि इस तरह से होना ज़रूरी है। और ये आदमी अपना राय इसके सिलसिले में दिया है। आगे चल आपको बताई जाती है सोशल डायलॉग ऑन द हामर इन दयाना, सोशल डायलॉग जो है यानी कि ये लोग इसमें फैसला बातचीत गुफ्तगू कर रहा है। कौमीसी फरखादरी वगैरह नेशनल असम्बली फंदाख दौर में तो उपम्बार कौमीसी फरखादरीन, आज जो उपम्बार कौमीसी फरखादरीन जो होता है तो उसके सिलसिले में फिर गुफ्तगू होगा, यानी कि असम्बली में न्यू एसन बलांगन के वैत ऑन द और द नामलक वैसिंग फन है दरीत अरबेस अथफिस कॉलेज, यानी कि अब ये वैत वैसिंग जो है ये लोग इस पर मद्देनज़र रखेंगे, देखो कौन सी फैसला लिया जाता है। और ये भी बताई जाती है कि जो कर्ज सुरनाम लेता है तो पहले कर्ज ले लेते हैं तो फिर बाद में आकर नेशनल असम्बली में कुछ न कुछ बातें लोगों के सामने रखते हैं भरमाने के लिए, जो हकीकत होता है तो कभी नहीं बोलते हैं। और इतना
इतना झूठ सिखाई जाती है लोगों को झूठ बकने के लिए इसके सिलसिले में कि लोग जैसे जिस तरह से एक सबक पढ़ते हैं तो सबक की तरह झूठ इसमें बोलते रहते हैं। लेनिंगन मुतन इन गजैत ब्लैफन द ऑपलॉसिंगन, और ये बताई जाती है अरबे जो है यूनी पालू ये बता रहा है कि तमाम के तमाम करक जो लिया जाता है सूरीनाम की रखेरिंग तो चाहिए ब्लैफन द ऑपलॉसिंग फ्रॉम फिनाशियल प्रोबेन बिन द सूरीनाम से इकोनॉमी, यानी कि एक हल होना चाहिए सूरीनाम की इकोनॉमी के लिए, ये जो कर्ज लिया जाता है एक हल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और बताई जाती है कि जो लेनिंग पहले लिया गया है कर्ज़ लिया गया है और रेंत के साथ, तो वो लोग ये कर्ज़ जो अब 505 तक मिलियन यूएस डॉलर का आप तो जानते हैं कि ये लोग वो कर्ज़ इससे भी अदा करने वाले हैं, लेकिन असम्बली में ये बात बताई जाती है कि ये गुफ्तगू लोग असम्बली में नहीं करते हैं कि क्यों लिया जाता है और किससे लिया जाता है कहां पर लगाई जाएगी, ये तमाम की तमाम समस्या जो होता है तो असम्बली में रखेरिंग इसके सिलसिले में कुछ नहीं बताता है। जब लेनिंग ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें बनाकर लोगों के सामने रखते हैं। रोफर लात फाइव तक यार फरोखनीफत अख्तर, अब देखो बताई जाती है कि हमारा सीनियर बर्कर जो होता बड़े लोग जो होता ज़्यादा उम्र के लोग हमारे देश में इज्जत करना चाहिए, यही इज्जत मिलता है कि ये औरत को बांधकर 75 साल की फैफ नसीफ तक यार की बांधकर एयरबे को सोमवार को सुबह में 3 बजे इनकी मकान में घुसे अतिका व क्वाता में न, बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ पर अपना ज़िंदगी कुछ ना कुछ तौर और तरीक़ से कोशिश करता गुजारने के लिए तो उनको भी नहीं छोड़ते जांगर चोर लुटेरा डाकू न, तो ये लोग घुसकर और उनके मकान में बांधकर इनको और वहीं पर छोड़ दिया और उनकी मकान भी तमाम चीज़ जो है इधर उधर तमाम चीज़ जो इधर उधर करके और जो भी मिला इन लोगों को ख़्याल बदराख एस आर दे और एरो कुछ पैसा इनके पास थी ये सब लेकर भाग गए हैं और क्वाता के सिपाही को इतला की गई है, तो सिपाही छानबीन कर रहा है और छानबीन करते रहेंगे क्योंकि छन्ना जो है उसमें बहुत भारी होल है और जो होल आप जानते हैं मछलियाँ जब आप छानेंगे तो जिसमें होल होता है छन्ना में न, तो उसमें से मछलियाँ निकल जाता है, तो यह छानबीन का छन्ना जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त होल है, कभी कोई नहीं इसमें आकर फंसता है, अभी तक तो कोई नहीं फंसता है नहीं सुनाया गया, सिर्फ यही होता है कि छानबीन हो रहा है, तो देखो अब कितना दूर तक छानबीन होता है और इसका जो क्या कहते हैं इसका जो छानबीन करने के बाद कि नतीजा क्या निकलता है, तो ये भी शायद सुनने में आएगा वरना कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तरफ जाकन ऐत को स्तल फन वही स्ताकन द खरीफीरस, यानी कि तरफ जाकन जितना है खरीफीर आप जानते हैं ये लोग स्ताक कर रहे हैं, तो जितना तरफ जाकन है ये ताल दिया गया है, यानी कि खरीफीर का तमाम के तमाम ताल दिया गया है और कब फिर रहेगा ये तो आगे चलकर आप न्यूज़ के ज़रिए और इतला की जाएगी, तो आप सुनते रहना। दोस्तों तमाम खबरें जो आज के लिए अहम था मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए, उम्मीद है कि आप सुने और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ तो ले लेना, जो नहीं है तो प्रोलबाक में डाल देना। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।